फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवाली गुधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स। जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि सारे कंप्लायंसेस हमारे पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने उन प्रोविजंस को बहुत ही गलत तरीके से एक्चुअली रीड किया है। मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सारे प्रोविजंस को एक्सटेंड नहीं किया गया है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनकी ड्यू डेट बिल्कुल भी एक्सटेंड नहीं हुई है, कुछ ऐसे हैं जिनकी की लेट फीस माफ़ हो गई है, और कुछ ऐसे हैं जो कि एज इट इज़ है, और कुछ ऐसे जो सच में एक्सटेंड भी हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बस ये सोच के बैठे थे अच्छा सब कुछ तो एक्सटेंड हो गया और हम कुछ करें ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर रिटर्न्स की बात करें तो GST के रिटर्न्स की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ लेट फीस और इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया गया है। इंटरेस्ट कंडीशनल वेवर है और लेट फीस का भी कंडीशनल वेवर है। कंडीशनल शब्द का मैं इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आप पे फुल लेट फीस और फुल इंटरेस्ट लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको एक्चुअली में एक्सटेंड किया गया है। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये क्लियर किया गया था कि जो भी कंप्लायंसेस उस पीरियड के अंदर फॉल कर रहे थे सबको आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी क्रिएट किए गए थे। तो हम लोग एक बार उन एक्सेप्शंस पे भी नज़र डालेंगे। तो कौन कौन से प्रोविजंस थे जिनको आगे पोस्टपोन नहीं किया गया? सबसे पहले लिखा गया है Chapter 5, यानी कि जो टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस हैं उनको आगे एक्सटेंड नहीं किया गया। तो किसी सप्लाई का अगर टाइम ऑफ सप्लाई अभी फॉल कर रहा है तो वो आपको उसका इन्वॉइस भी रेज करना पड़ेगा और उसकी टैक्सेबिलिटी भी फॉल करेगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई से ये होता है कि टैक्सेबिलिटी कब फॉल कर रही है वो बताता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में रेजिंग ऑफ इन्वॉइस होता है, या लास्ट टाइम जब तक इन्वॉइस रेज होना चाहिए था, और सर्विसेज के केस में पेमेंट रिसीट या इन्वॉइस, दोनों में से जो भी पहले हो वो। देन उसके बाद ध्यान रखिए Section 37 की रिटर्न को पोस्टपोन नहीं किया गया है, ना 39 की रिटर्न को पोस्टपोन किया गया है। ईवे बिल के प्रोविजन को पोस्टपोन नहीं किया गया है, इन्वॉइस के प्रोविजन को भी पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो जहाँ जहाँ पे सप्लाई है वहाँ पे अभी भी इन्वॉइस रेज करना, ईवे बिल बनाना, वो हमारे लिए अभी भी मैंडेटरी है। उनमें से एक भी प्रोविजन पोस्टपोन नहीं हुआ है। डिटेंशन ऑफ ट्रक या डिटेंशन ऑफ व्हीकल्स, सीजर, अरेस्ट, ये सारे के सारे प्रोविजन भी पोस्टपोन नहीं किए गए हैं। तो अगर आपका कोई व्हीकल विदाउट ईवी बिल जा रहा है, विदाउट इनवॉइस के जा रहा है, तो वो अभी भी सीज किया जा सकता है, उसकी अभी भी डिटेंशन हो सकती है, और उसके लिए आपको लेट फीस और पेनल्टी अभी भी देनी पड़ सकती है। लेट फीस उस केस में नहीं होगी, बट पेनल्टी आपको अभी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि पेनल्टी का प्रोविजन भी पोस्टपोन नहीं किया गया है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं सेक्शंस के जिनको ये पोस्टपोन नहीं किया गया है। उस लिस्ट को मैं एक बार आपके लिए ब्रीफली यहाँ पे रीड कर रही हूँ। अगर मैं सेक्शन वाइज देखना चाहूँ तो सबसे पहले सेक्शन 10 है। सेक्शन 10(3), यानी कि अगर आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाती है कंपोजिशन के केस में तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ता है, तो वो पोस्टपोन नहीं किया गया है। सेक्शन 25 मुझे प्रोसीजर बताता है रजिस्ट्रेशन का। तो जहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है 30 दिन के अंदर अंदर लाइबिलिटी होती है रजिस्ट्रेशन लेने की, तो अगर आप टैक्सेबिलिटी में फॉल कर रहे हो तो 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है सेक्शन 25 के अंदर, वो भी पोस्टपोन नहीं किया गया है। देन सेक्शन 27 CTP है, NRTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन लेना होता है वो भी आगे पोस्टपोन नहीं हुआ है। सेक्शन 31 लाइबिलिटी टू रेज इनवॉइस, उसको भी पोस्टपोन नहीं किया गया है। सेक्शन 37 यानी कि GSTR 1 फाइल करने की लाइबिलिटी, 39 के अंदर उसका 345 को किया गया है, बाकी को नहीं किया गया। 345 के अंदर TDS की रिटर्न होती थी, ISD की रिटर्न होती थी, और NRTP की जो उनको रिटर्न फाइल करनी होती है वो होती है, तो उसको किया, उसके अलावा और किसी को भी नहीं किया। तो यानी कि 3B वगैरह मेरी अभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है। सेक्शन 47 यानी कि लेट फीस का, सेक्शन 50 इंटरेस्ट, 69 पावर टू अरेस्ट, सेक्शन 90 लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स टू पे द फर्म्स टैक्स, 122 पेनल्टी एंड 129 डिटेंशन, सर्च एंड सीजर, इसके अलावा ईवी बिल के प्रोविजंस। ध्यान रखो इनमें से एक भी प्रोविजन है जो पोस्टपोन नहीं हुआ है, एक भी नहीं हुआ है। तो ये सारे के सारे कंप्लायंसेस हम लोगों को अभी भी करने होंगे। तो आप में से जिन लोगों की इंडस्ट्रीज अभी फिर से स्टार्ट कर चुकी हैं वो सब लोग इसके साथ अब आगे प्रोविजंस का कंप्लायंस करना शुरू कर सकते हैं। और ध्यान रखना कि रिटर्न के प्रोविजंस भी जो आगे पोस्टपोन किए गए हैं, एंड मोमेंट पे बहुत ज़बरदस्त रश होने वाला है, तो आप उस समय अगर फाइल नहीं कर पाए, वो डेट निकल गई, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरी लेट फीस जो कि आपकी लाखों तक भी बैठ सकती है, सारे महीनों की सारी लेट फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी दोनों के दोनों रिटर्न्स की। तो ये इंपॉर्टेंट कॉशन करने के लिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ लिख रहे हैं ड्यू डेट एक्सटेंडेड, ड्यू डेट एक्सटेंडेड, या ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है,
हम लोग जब लॉ पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को उसको उसके तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है. वी कैन नॉट सिंपली से कि हाँ बस ड्यू डेट एक्सटेंड होगी. ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ लेट फीस वेव ऑफ कर दी गई है. इससे ये भी पता चलता है कि जो बाकी की प्रोविजंस है या बाकी की कोई एप्लीकेबिलिटी है ड्यू डेट के लेट होने के कारण, वो आप पे तब भी अप्लाई होगी. जैसे इंटरेस्ट का प्रोविजन, वो अभी भी पोस्टपोन नहीं किया गया, लेकिन सेक्शन 16 को एक्सेप्शन में नहीं रखा गया, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जो प्रोविजंस थे उन पे भी होगा कि जो आपको अगर कुछ उस पीरियड के अंदर कंप्लाई करना था उसको आप बाद में भी कर सकते हैं. तो अभी तो देखना पड़ेगा कि हमारी जो ये एक्सटेंशन की डेट है, मैं होप फुल हूँ कि शायद ये थोड़ा सा एक्सटेंड होगी अभी, क्योंकि उतने अच्छे से सब कुछ चलना शुरू नहीं हुआ है और हो सकता है वो सेप्टेम्बर तक जाए, हो सकता है नहीं भी जाए. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ खुल चुका है और लॉकडाउन अभी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रह गया है. और एक चीज़ मैं इस वीडियो के एंड में जरूर कहना चाहती हूँ कि जितनी तेज़ी से हम सब लोग गिरे हैं, हम सब लोग को प्रॉब्लम्स आई हैं, उतनी तेज़ी से सब कुछ रिकवर भी हो जाएगा और शायद कोरोना के साथ जीना हमारे लिए भी थोड़ा नॉर्मल भी हो जाएगा. प्लीज़ प्रिकॉशन रखें. आप जब ओपन में आपको जाने नहीं दिया जा रहा था तब आप सेफ थे, अब आपको जाने दिया जा रहा है तो एक्चुअली आप बहुत ज़्यादा अनसेफ हैं. तो अब आपको अपनी सेफ्टी खुद रखनी चाहिए. तो अपनी सेफ्टी का और अपने परिवार की सेफ्टी का ध्यान रखें. और अब तो हमें इसी के साथ काम करने की आदत डालनी है, तो अब दोबारा से काम करने की आदत भी वापस डाल लें. विद दिस आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.